सिवनी मालवा जेल रोड स्थित शक्तिघाट का अतिक्रमण नगर पालिका प्रशासन के द्वारा शुक्रवार को हटाया गया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी राकेश मिश्रा ने बताया कि लगभग 15 साल पुराना अतिक्रमण है, जिसे हटाया गया। अतिक्रमणकारी कन्हैयालाल भगवान दास दशरथ भगवान दास के द्वारा नगर पालिका भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने SDM अखिल राठौर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी राकेश मिश्रा, नायब तहसीलदार महिमा मिश्रा सहित नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे। सिवनी मालवा से KK यदुवंशी की रिपोर्ट। हटाया जा रहा है और इनको कई बार नोटिस भी दिए गए और कई बार अन्य विनय और इनसे निवेदन भी करके गए, इसके बाद भी मतलब अतिक्रमण नहीं हटाया गया और आवैधानिक रूप से कब्जा किए बैठे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में आज ये अतिक्रमण शक्तिघाट से हटाया गया है और आगे भी ये नगर में जो भी आवैधानिक रूप से अतिक्रमण किया गया है वो हटाने की मुहिम नियमानुसार जारी रहेगी। सर, कितने सालों से ये अतिक्रमण? ये अतिक्रमण करीब करीब 20-25 साल से ऐसा संज्ञान में आया है कि 20 साल से लगभग ये काबिज किए हुए थे अतिक्रमण, लगभग 15 से 20 साल ऐसा।